ये देखे दे। ये कंचा था जो इसके अंदर था, ये देखे मेरे हाथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास प्राइडर बाइक आई। इस बाइक में ये मसला हो गया कि इसका जो सलेंसर है उसके अंदर बच्चे खेल रहे थे, तो जिन कंचे जो होते हैं जिसको पंजाबी में बंटे बोलते हैं और उर्दू में कंचे जो होते हैं बच्चे छोटे छोटे लेके खेलते हैं, वो बच्चे खेल रहे थे और इसके सलेंसर के अंदर डाल दिया। अब भाई बोलता है कि मैंने एक दो मैकेनिकों के पास गया हूँ, जाके चेक कराया सलेंसर, तो वो कंचा जो वो नहीं निकल रहा, तो वो किस तरह निकलेगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा, उसको निकालने का तरीका भी बताऊंगा। अक्सर जो है 70 बाइक हो, 125 बाइक हो या प्राइडर हो, कोई सी भी बाइक हो, बच्चे खेलते हुए अक्सर जो है शैतानी करते हैं, क्योंकि बच्चों से शैतान भी पनाह मांगता है। तो इस वजह से बच्चे जब खेल रहे होते हैं कोई ना कोई उन्होंने ऐसा काम ज़रूर करना होता है जिससे परेशानी बने। अब बाइक के लिए भी परेशानी बन गई। सलेंसर अगर न्यू लेने जाएँ तो तकरीबन 4500 से लेकर 4800 रुपए का सलेंसर है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी है। तो अभी मैं पहले आपको आवाज़ चेक कराता हूँ कि आवाज़ किस तरह की आ रही है। ये देखें, देख सकते हैं कंचा जाहिर जो है आवाज़ अपनी पैदा कर रहा है। फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। अब जो है दोस्तों हमने इसको बाहर निकालना है, बहुत ही ट्रिक से। पहले दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम इस बाइक का सलेंसर खोलेंगे बाहर, ताकि जो भी इसके अंदर जो कंचा है वो हम निकाल सकें। तो फाइनली दोस्तों हमने इस बाइक का सलेंसर खोल लिया। आप देखें, ये अगर आप देखें तो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें जो कंचा है वो इस टाइम अंदर है। अब मैं आपको उसको निकालने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, तो निकालने का तरीका ये है कि दोस्तों पहले हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि वो बाहर आ जाए, नहीं तो हमें सलेंसर के नीचे से एक कट लगाना पड़ेगा, फिर जाके वो बाहर निकलेगा। पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी तरह जिस तरह इस रास्ते से अंदर गया। ये दोस्तों होता क्या है कि ये, अब मैं थोड़ा आपको वजह से बताऊंगा, ये जो पाइप है, ये जो सलेंसर का ढोल बना हुआ है, इस पाइप जो है सलेंसर के इस तरह अंदर है, तो वो कोई चीज़ अगर यहाँ से हम डालेंगे तो वो इस तरफ से जाके इस तरह से अंदर गिरती है, लेकिन फिर जब दोबारा हमें निकालना पड़ता है तो ये पाइप होता है बड़ा और ये ढोल के अंदर पाइप है आगे, तो वो बहुत मुश्किल से, अगर तो किस्मत अच्छी हुई तो इस जगह पाइप पे ऊपर खुद ब खुद वो कंचा चढ़ गया, तो फिर इस पाइप के जरिए बाहर आ जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि निकल आए, ना निकले तो फिर हमें छोटा सा कट लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। पहले हम वैसे ही कोशिश करेंगे कि कंचा बाहर की तरफ आ जाए। दोस्तों हमने काफ़ी कोशिश की है लेकिन इस तरह से जो है कंचा बाहर नहीं आ रहा। अब दोस्तों करना हमें क्या पड़ेगा, हमें जिसको कट लगाना पड़ेगा। कट हम यहाँ से छोटा सा लगाएंगे, ताकि हमने लगाना भी नीचे की तरफ से, ताकि ये नज़र ना आए और कंचा भी बाहर आ जाए। तो यहाँ पर हम ये वाला ग्राइंडर की मदद से इसको कट लगाएंगे। आप चाहें तो आरी का ब्लेड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसको कट लगाएंगे। तो ये कट लगाने के बाद ये देखिए दोस्तों हमने जो है इसको सुराख को खोल लिया। तो दोस्तों ये देखिए हम अब कंचा निकालेंगे बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये कंचा था जो इसके अंदर था, ये देखिए मेरे हाथ में, और ये देखिए हमने बिल्कुल बआसानी इसको बाहर निकाल लिया। फाइनली दोस्तों हमने इसके अंदर से कचरा भी निकाल दिया। आप देखें ये थोड़ा बहुत जो कचरा था, आप देखें ये बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है।
ये कंचा था जो बच्चों ने फेंक दिया था, ये हमने बाहर की तरफ निकाल लिया। अब जो है हम दोबारा से सलेंसर को बिल्कुल बआसानी इसको फिट करेंगे ताकि सलेंसर भी डैमेज ना हो ज़्यादा, इसलिए हमने सुराख ही छोटा सा किया था ताकि जो है सलेंसर ख़राब भी ना हो। तो ये अब जो है हम वेल्डिंग की मदद से इसको दोबारा से वेल्डिंग कर देंगे और 5 मिनट लगेंगे हमें वेल्डिंग करने पे। तो अब हम इसको वेल्डिंग कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है इसको अच्छी तरह वेल्डिंग कर लिया। अब दोबारा से हम इसकी फिटिंग जरूर करेंगे और ये मसला जो है भाई जिस मसले के लिए परेशान था वो मसला समझ लो हमने बिल्कुल थोड़े से एक्सपेंस से इनका मसला हल कर दिया और सलेंसर भी जो है इनका न्यू डालने से बचा लिया। तो अब जो है हम इसको फिट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाएं। अगर उनके साथ भी इस तरह का कोई मसला हो तो वो इस तरह के मसले से अपनी जान छुड़ा सकें, क्योंकि दोस्तों तरीका सेम ही है, बिल्कुल थोड़े से खर्चे में मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।